नमस्कार सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्मिन इट्रैक्स 30X जीपीएस के हैंडलिंग के बारे में। देखेंगे कि ये जीपीएस में आप वे पॉइंट कैसे बना सकते हैं और रूट कैसे बना सकते हैं और ट्रैक कैसे इनेबल कर सकते हैं, वे पॉइंट को मैनेज कैसे करते हैं, वे पॉइंट की एडिटिंग कैसे करते हैं और कुछ चीजें जैसे रूट प्लानिंग वगैरह जो है वो आप इसमें एक बार देखेंगे। उससे पहले आपको यदि इसको टर्न ऑन करना है तो आपको 2AA सेल चाहिए बैटरी, तो इसको देखते हैं कैसे प्लग इन करना है। आपको यहाँ से इसको पुल अप कीजिए और इसको रोटेट करके आप इस वाली पोजीशन में रख के इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्लॉट है मेमोरी कार्ड के लिए, तो आपको इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ड है 3.7 GB, मतलब 4 GB के अप्रोक्सीमेट इसमें इनबिल्ड मेमोरी है और 32 GB का कार्ड आप इसमें मैक्सिमम सपोर्टेबल है। तो यहाँ पे आप बैटरी सेल को लगा दीजिए प्लस प्लस की तरफ से और माइनस माइनस की तरफ से। ओके, जैसे ये लगने के बाद में दोबारा से सेम ऐसे ही इसको वो करना है, आपको लगाना है जैसे ही था और इसको दोबारा से वहीं से ही रोटेट कर देना है। ओके, और ये अब इसको टर्न ऑन करना है, तो उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये पावर ऑन है, ये वाला जो है ये पावर ऑन और ये बैक बटन और इस साइड में मेनू ऑप्शन और अप और डाउन या जूम इन जूम आउट। तो हम और यहाँ पे एंटर और जॉयस्टिक जो मूव करने के लिए कर्सर, और यहाँ पे इसको पावर जो लाइट वाला बटन दिया हुआ है यही पावर ऑन का बटन है, इसको प्रेस करिए। प्रेस करके छोड़ देना है, ये टर्न ऑन हो जाएगा। ओके, टर्न ऑन हो गया। अभी लाइट इसकी बढ़ानी ब्राइटनेस, तो ये जो लाइट वाला बटन है वो पावर वाला बटन था, इसी को प्रेस कीजिए तो लाइट इंक्रीज होता है ब्राइटनेस। ठीक है, अभी ब्राइटनेस है, यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन और आपको जीपीएस इंडिकेशन दिखाता है और टाइम दिखाता है अभी क्या टाइम हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ मेनूज की, तो मेनूज को अप डाउन करने के लिए ये बटन है आपको जो स्क्रॉल करने के लिए, और लेफ्ट राइट एंटर यही बटन काम आएगा। फिर यहाँ पे बैक बटन है जो बैक मेनू में जाने के लिए है, और यहाँ पे आपका लाइट वाला और ये मेनू के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉप में जाते हैं, हम पहले देखते हैं वेव पॉइंट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं, इसमें से सबसे पहले यहाँ पे वेव टू आ रहा है और एक आ रहा है मार्क वेव पॉइंट। मार्क वेव पॉइंट का मतलब आपको यदि वेव पॉइंट ये जो जिस लोकेशन पे आप इसको एज ए वेव पॉइंट मार्क करना है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी पॉइंट वे पॉइंट क्रिएट करना है तो ये सबसे सिंपल तरीका पहले वाला, आप क्या जाइए मार्क वे पॉइंट पे जाइए और जॉयस्टिक का एंटर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास में लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए और सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 023, ये इसका इसने डिफॉल्ट नाम ले लिया इस वे पॉइंट का। आपको यदि कोई लोकेशन है तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं उस लोकेशन का क्या नाम है आपको बाद में मेमोराइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका नाम देने के लिए क्या करेंगे, इसको डाउन क्लिक कीजिए, ये 23 आ गया, इसको क्लिक कीजिए। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर में इसको नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन है और यहाँ पे आपका एडिट होके दिखाता है, तो मुझे ABC करना है, फिर मुझे B लेना है तो आप इसको ऐसे स्क्रॉल कीजिए, ठीक है B हो गया, उसके बाद में C लेना है तो C। अब ये वेव पॉइंट हो गया ABC, यदि आपको चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप और कुछ क्लिक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको डन पे क्लिक करना होता है यदि आपका हो गया है तो, और उसके बाद में आप ABC और ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। यदि आपको कोऑर्डिनेट भी चेंज करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ ये कोऑर्डिनेट मुझे सेव नहीं करना था, मुझे कोई दूसरा कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट मुझे मिला हुआ है, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, नोट एडिट करना है कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी तो नोट पे जाइए, और कोऑर्डिनेट चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इसको जैसे प्रेस करेंगे तो अब जो क्या है आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एडिट मोड में आ गए। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज एडिट करनी है, जैसे ये अभी कहाँ पे है, नॉर्थिंग वाले को सेलेक्ट किया हुआ इसने, तो हम क्या करते हैं इसको 23 इधर लेके जाते हैं। तो आप नीचे आइए, यहाँ पे
ये लेफ्ट और राइट है। लेफ्ट और राइट सिलेक्शन चेंज करने के लिए इस पे क्लिक कीजिए और अब देखिए मूव हो रहा है 23, फिर 1 पे, फिर 9 पे। तो मान लीजिए मुझे ये 9 चेंज करना है और मैंने यहाँ पे कर दिया 5। ओके, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। ऐसे मुझे इसके भी कोऑर्डिनेट चेंज करना है, यहां पे मुझे 8 करना है। अभी एक्चुअल कोऑर्डिनेट नहीं है जो हमने यहाँ के इस लोकेशन के लिए थे, अभी चेंज हो गए, बस मुझे यही कोऑर्डिनेट सेव करने थे। ओके ओके, ये कुछ ट्रबल आ रहा, कोई बात नहीं, यहां पे सेव हो गया। उसके बाद में आप डन पे जा सकते हैं या मैप में जाके आप इसको देख सकते हैं ये लोकेशन कहाँ है जो आपने वे पॉइंट है, ये डन पे करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, हम अभी सेव कर रहे हैं एबीसी। ओके, बैक उसी स्क्रीन पे आ गया जहां पे जो हमारी होम स्क्रीन है, मेन जो स्क्रीन है उसी पे आ गया। अब यदि आपको ये देखना है तो दो चीजें हैं, एक तो आप वेयर टू में जाके, वेयर टू में क्या है, जितने भी वे पॉइंट आपने क्रिएट किए हैं वो सारे वे पॉइंट कहाँ रहते हैं, वेयर टू में रहते हैं। तो या तो आप वेयर टू में जाके देख सकते हैं या फिर आप एक नीचे का ऑप्शन है, वेयर टू में जाएंगे अभी हम, आपको वे पॉइंट मैनेजर आता है जहां से आप पुराने जो वे पॉइंट क्रिएटेड हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि कौन कौन से। तो हम यहाँ पे वे पॉइंट मैनेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा एबीसी वे पॉइंट आना चाहिए। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए एबीसी, और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कब आपने इसको क्रिएट किया है और यहाँ पे कुछ लोकेशन दिखा रहा है 9.01 किलोमीटर। ओके, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको दिखाते हैं किस साइड में कौन सी दिशा की तरफ है ये। ओके, अब बैक प्रेस करते हैं। यदि आप यही सेम चीज हमने बात की थी, यदि वेयर टू में जाते हैं आप तो भी आपको यहाँ पे भी मिलता है। वेयर टू में कब करते हैं, जब मान लीजिए मुझे इस वे पॉइंट पे जाना ही है, अब मुझे नेविगेशन करना है यहाँ पे, जाने के लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो फिर आप वेयर टू पे जाते हैं। वेयर टू तो कौन से ट्रैक रूट कौन कौन सी चीजों में जाना है, तो वे पॉइंट्स, और यहां पे आप एबीसी सेलेक्ट कर लीजिए, एबीसी और एंटर, गो का ऑप्शन आ गया आपको। अब यदि आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपकी डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है वो आपको ये बता देगा। ठीक है, हाँ ये डायरेक्शन आपकी अभी सही है। तो ऐसे आप क्या करना है, वे पॉइंट क्रिएट करके और उस लोकेशन पे आप क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ये बात हुई वे पॉइंट की। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रैक होते हैं और कुछ रूट होते हैं। तो वे पॉइंट का मतलब तो सिंपल सी चीज है कि जैसे आपका जो रास्ता है, जो भी वे है आपका, वहां तक जाने के बीच बीच में जो पॉइंट आते हैं, मतलब कौन कौन से पॉइंट को होते हुए आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, या ये हो सकता है एक लोकेशन भी हो कि जस्ट मुझे वहां जाना है, बीच में मैंने कोई पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, कैसे भी जाना है, तो बेस्ट सुटेबल जो वे होता है उससे आप जा सकते हैं, ऑफ रोड और ऑन रोड। और यदि आपने पूरा रूट बना दिया कि यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो फिर उसको बोलते हैं हम रूटिंग करना, मतलब आप एक पर्टिकुलर रूट बना रहे हैं, वहां तक जाना है लेकिन इस वाले रूट से जाना है। तो रूट प्लानर भी इसमें अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हैं, अपना रूट प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि वो कहां से करते हैं, लेकिन रूट प्लान करने से पहले आपके पास में वे पॉइंट्स क्रिएटेड होने चाहिए, ये एसेंशियल है। तो रूट प्लान करने के लिए क्या है, आप नीचे जाइए और यहां पे मिलता है आपको रूट प्लानर। ठीक है, रूट प्लानर पे क्लिक कर दीजिए तो आपको दो रूट है यहां पे पहले से क्रिएट, रूट 001 और 002। नया रूट क्रिएट करना है, यदि रूट 001 और इसको देखते हैं हम, तो क्लिक करते हैं एक बार इसको, तो एडिट रूट करते हैं या मैप पे भी व्यू करते हैं। तो देखिए इसमें इतने वे पॉइंट पहले से इसमें ऐड किए हुए हैं। अब आप नेक्स्ट वे पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और आपको यदि नया बनाना है तो फिर हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं, क्रिएट रूट और एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा है,
मैप का यूज करके भी आप कर सकते हैं, और आपने जो वेव पॉइंट बनाए हैं वो भी कर सकते हैं। मैप आपको दिखाया जाएगा, उस मैप में जहां जहां आप कर्सर को क्लिक कर देंगे वही उसका वेव पॉइंट को ले लेगा और उसको क्या करेगा आपकी रूट के पॉइंट्स में ऐड कर देगा। तो अभी हम वेव पॉइंट्स पे जाते हैं और वेव पॉइंट को क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने अभी वेव पॉइंट जो बनाया था उसको लेते हैं, पहले एबीसी, ओके यूज, ओके। अब नेक्स्ट और कोई भी वेव पॉइंट को क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं। तो मैं एक दूसरा वेव पॉइंट ले लेता हूं, ये ले लेता हूं 147, ओके यूज, ओके बस यही लेना मुझे। रूट प्लानर में हमने सिर्फ रूट बनाया है, ओके देखिए रूट 003 आ गया, पहले हमारे रूट 2 थे। अब यदि आप इसका नाम एडिट करना है या जो भी करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अभी हम एक रूट 003 को देखते हैं। तो पहले व्यू मैप पे करें, मैप पे देखते हैं इसका व्यू, रूट क्या है हमारा। देखिए ये रूट है आपका, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, देखिए ये 147 और एबीसी, इसके बीच में आपका क्या है रूट है। ये आपका अभी क्या हो गया, रूट क्रिएट हो गया। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस रूट पे नेविगेट करा देगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, रूट बनाते हैं। और यदि आप नेम चेंज करना है तो यहां से नेम चेंज करिए इसका रूट का, मैंने एबीसी आरटी कर दिया, एबीसी रूट, ओके। डिलीट विलीट करना है तो आप यहीं से इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो ये बात होगी आप वे पॉइंट कैसे बनाते हैं और रूट कैसे क्रिएट करते हैं। अब यदि आपको डायरेक्ट और भी कोई वे पॉइंट, कितने वे पॉइंट हैं इसमें, तो वो भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट वे पॉइंट मैनेजर पे जाइए और वहीं से आपको क्या है पता चल जाता है कि कौन कौन से वे पॉइंट इसमें हैं। अभी ये जो अभी हमने देखे थे ये वे पॉइंट्स हैं। बात आती है अब ट्रैक की। तो ट्रैक क्या होते हैं कि जब भी आप कोई नेविगेशन करते हैं इसमें तो ट्रैक ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, आपको नहीं बनाने, आपको एनेबल सिर्फ इनेबल करना पड़ता है सेटिंग की ट्रैक बनाने या नहीं बनाने। मान लीजिए मैंने एक रूट प्लान किया था यहां से और दूसरी जगह जाने के लिए और उसमें मैंने वे पॉइंट बताया ऐसे ऐसे, लेकिन जब मैं रियल लोकेशन पे गया तो वहां देखा कि जो हमने वे पॉइंट्स बनाए हैं उससे बढ़िया दूसरा कोई जो रूट है वहां से हम जा सकते हैं और बेटर तरीके से जा सकते हैं। तो फिर वो क्या है, आप उस टाइम पे वहां पे चेंज करते हैं, तो वो जो पाथ बनता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का, जो पर्टिकुलर पाथ है, जो फिजिकल जो आप गए हैं उस पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, वो सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमें इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए क्या है, सेटअप में जाना पड़ता है ट्रैक इनेबल और डिसेबल करने के लिए, और उसके बाद में ट्रैक्स, यहां पे देखिए रिकॉर्ड डोंट शो, ट्रैक लोग रिकॉर्ड हो रही है लेकिन शो नहीं करेगा आप जब नेविगेट कर रहे हो उस टाइम में। तो आप यदि ऑफ करना कर देंगे तो डोंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ओके। अब नेविगेशन होगा, रूट पे आप जाएंगे लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होंगे, ओके। तो ऐसे आप कर सकते हैं ट्रैक को ऑफ और ऑन। हम अभी इसको ऑन कर देते हैं एक बार, रिकॉर्ड डोंट शो, और रिकॉर्ड शो पे भी कर सकते हैं। और इसी में आपको ट्रैक की कलर भी दिखाई देती है कि आप जो मैप पे जो कलर दिखाता है लाइन वो कौन से लाइन उससे दिखाएगा, तो आप ये कोई सा भी लाइन चूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी कलर का, ओके। उसके बाद में यहां पे हम एक बार ट्रैक देखते हैं कौन कौन से ट्रैक इसमें अभी हैं। नीचे जाइए, ट्रैक मैनेजर, ठीक है, ट्रैक मैनेजर पे क्लिक करके ये इतने सारे क्या है ट्रैक अभी इसमें बने हुए, ठीक है। तो कोई से भी ट्रैक को आपको जाके और इसमें देख सकते हैं कि कहां कहां से कौन कौन से पाथ पे गए थे। एक बार क्लिक करते हैं हम इसमें व्यू मैप, तो ये हमारे पास में, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं, जूम इन करता हूं, सॉरी। देखिए ये जो इस साइड में बटन है दो, इन्हीं से जूम इन जूम आउट होता है, ये बस इतना ही ट्रैक बना है, ठीक है, ज्यादा दूर गए नहीं है इसलिए इतना ही ट्रैक बना है।
और कोई दूसरा ले लेते हम। हाँ ये ट्रैक देखिए कुछ समझ में आ रहा है, तो ऐसे ट्रैक अपने आप बन जाते हैं। ट्रैक क्या करते हैं, अपने आप बन जाते हैं। ओके, तो ट्रैक को इनेबल करके रखना है ताकि आपकी जो नेक्स्ट टाइम आप इस ट्रैक पे जा भी सकते हैं। यदि आपको ये ट्रैक फॉलो करना है नेक्स्ट टाइम के लिए तो आप सेम ट्रैक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इस जो जीपीएस को, इसमें जो डाटा है उसको आप कंप्यूटर में कैसे लेते हैं, और फिर कंप्यूटर में आप कोई वे पॉइंट क्रिएट कर लें, कोई प्लानिंग कर लेते हैं कोई नेविगेशन की, तो फिर उस नेविगेशन को इस में कैसे अपलोड करेंगे, वो वे पॉइंट सब इसमें कैसे अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।